पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के आठवें शतक में कहा गया है, समूहन्नम भन्ते पडुच्च कतिपडिणीया पन्नत्ता गोयमा तओ पडिणीया पन्नत्ता तंजहा कुलपडिणीए गणपडिणीए संघपडिणीए अनुकंपम पडुच्च कतिपडिणीया पन्नत्ता गोयमा तओ पडिणीया पन्नत्ता तंजहा तवस्सि पडिणीए गिलान पडिणीए सेह पडिणीए प्रत्यनीक। अनेक रूपों में आदमी हो सकता है, संगठन के लिए भी कोई आदमी प्रतिकूल आचरण करने वाला बन सकता है। कुल गण संघ ये सब समूह हैं। साधु समुदाय में कुल गण के रूप में और संघ के रूप में व्यवस्था रही है। वर्तमान में हम भले एकाकार मान लें, गण कह दें, उसी को संघ कह दें, तो यह एक संगठन होता है और संगठन के प्रति जो वफादार नहीं हो, उल्टा प्रतिकूल आचरण करे, संगठन में विखंडन विघटन करने का प्रयास करे कि हम कुछ लोग मिलकर के संगठन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तोड़ेंगे, तो संगठन की अखंडता में बाधा डालने का प्रयास जो करता है दुर्नीति से बदभावना से, वह संगठन का प्रत्यनीक हो जाता है, संगठन का प्रतिकूल व्यवहार करने वाला या संगठन का दुश्मन बन जाता है। तो यह संगठन के प्रति दुर्नीति रखने से जो भाव पैदा होकर उभर आता है और आदमी फालतू संगठन की निंदा करता है, अयथार्थ संगठन की बुराई करता रहता है और संगठन को तोड़ने का सपना लेता है, तोड़ने की चेष्टा करता है, वह व्यक्ति एक प्रकार से संगठन का दुश्मन बन जाता है, प्रत्यनीक बन जाता है और ऐसा आचरण करना उसकी आत्मा के लिए भी अहितकर हो सकता है और व्यवहार में भी उसके लिए अहितकर हो सकता है कि कई बार वो चेष्टा तो करता है कि मैं पहाड़ को तोड़ दूंगा, माथे से पहाड़ के लगाता है तो पहाड़ तो टूटे नहीं टूटे, कहीं माथा फूट जाए तो उल्टा खुद का नुकसान हो गया। तो आदमी संगठन को खंडित करने की चेष्टा करे खुद खंडित हो जाए तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि ये समूह के संदर्भ में प्रत्यनीक होते हैं, कुल प्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक और संघ प्रत्यनीक। तो हमें अपनी दुर्नीति के आधार पर कभी भी संगठन का अहित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना हो सके संगठन को सहयोग दें, संगठन को पुष्ट करने में योगदान दें, संगठन की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं, अपनी सेवा दें और जितनी संभव हो सके संगठन की सेवा करने का प्रयास करें, संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने में और विकसित करने में अपनी सेवा दें। यह तो
संगठन के प्रति अनुकूलता की बात हो जाती है और संघ को तोड़ने का प्रयास करना दुर्नीति से यह है, संघ प्रत्यनीकता की बात हो जाती है। आगे भगवती सूत्र में कहा गया है कि अनुकंपा, जो अनुकंपनीय है, जो सभ्य हैं, उनके संदर्भ में भी प्रत्यनीकता हो सकती है। तीन प्रकार के, जैसे साधु समुदाय है, साधु समुदाय में कोई तपस्वी साधु है, या ग्लान बीमार रोगी साधु है, या सैक्स नवदीक्षित है, ये तीनों एक प्रकार से सेवा लेने के अधिकारी होते हैं, ये अनुकंपनीय होते हैं। कोई वृद्ध है या बीमार है या तपस्वी, ग्लान और सैक्स, ये तीन बताए गए हैं। और ग्लान है वो बीमार भी हो सकता है या बुढ़ापे के कारण भी कोई असमर्थ हो जाए, वो भी एक प्रकार से वो ग्लान की कोटि में लिया गया है। और सैक्स जो नया साधु है, नवदीक्षित हुआ है, वो पूरा जानता नहीं कैसे क्या काम करना, तो ये तीनों ही अनुकंपनीय होते हैं, सेवा लेने के अधिकारी होते हैं। तो ये जो तीन हैं, इनकी सेवा न करे, जिसका जिम्मा तो है सेवा करने का, कोई साधु तपस्या कर रहा है, मास खमन 34-35 तपस्या कर रहा है, तो वो तो ज़्यादा गोचरी पानी जा सके इतनी क्षमता मान लो न रहे, और भी कुछ उसको सहयोग चाहिए, और सहयोग देने का जिसका जिम्मा है वो उसकी उपेक्षा कर दे कि कोई खास बात सेवा नहीं करता है, तो वह प्रत्यनीक हो जाता है। और सेवा कराने का जिम्मा है, सेवा कराए नहीं, उसमें उपेक्षा कर दे, तो वो भी एक प्रकार से प्रत्यनीक हो जाता है। तो सेवा न करना और न करवाना, इन दोनों रूपों में साधु तपस्वी प्रत्यनीक बन सकता है, ग्लान प्रत्यनीक बन सकता है, सैक्स प्रत्यनीक बन सकता है। तो संगठन में सेवा का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है कि संगठन के सदस्यों को ज़रूरत पड़ने पर सेवा मिल जाए, या सेवा मिलने की आशा हो, आश्वासन हो, तो संगठन की मजबूती में यह सहयोग मिलता है। और जहां लगे कि सेवा का कोई आश्वासन नहीं है, बूढ़े हो जाएंगे फिर हमें कोई संभालने वाला नहीं है, बीमार पड़ जाएंगे तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है, ऐसी मनोभावना हो, ऐसा माहौल हो, तो कोई सोचेगा अरे इस संघ में दीक्षा क्यों लें, पता नहीं हमें कौन संभालेगा, कौन बीमार पड़ जाएंगे तो कौन हमारी सेवा करेगा, बूढ़े हो जाएंगे कौन सेवा करेगा, यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं, इस संघ में दीक्षा नहीं लेना और कहीं देखते हैं। तो सेवा की व्यवस्था न होने से संगठन में फिर विकास वृद्धि होने में भी बाधा आ सकती है। इसलिए सेवा अच्छी होनी चाहिए, करने वाले करें, कराने वाले कराएं, दोनों ही काम है। सेवा करना भी महत्वपूर्ण है, तो सेवा करने की व्यवस्था देना भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों को अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कोई तपस्या करने वाला तपस्वी साधु है, भी तपस्या में रुचि है, अच्छा है, करो, तुम्हारी अनुकूलता हो तो करो तपस्या, हम तुम्हारा सहयोग करने को तैयार हैं। वो 15 करे, 17 करे, 20 करे, मास खमन करे, और भी ज़्यादा कोई कर ले, तो उसको यह आश्वासन मिल जाए कि हमसे जितना संभव होगा हम तुम्हारा सहयोग कर सकेंगे, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमारा पूरा सपोर्ट है, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं, जितना हमसे हो सकेगा हम उसमें कमी नहीं रखेंगे, यह हमारी भावना है। तो वो तपस्वी को ऐसा लगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दौरा भी होगा, सोरा होगा, कुछ भी होगा, और
तो ये संत लोग हैं, इनका सहयोग मिलने की मुझे पूरी आशा है। तो वे आसानी से तपस्या में आगे बढ़ने का मनोभाव बना सकता है। यह लगे कोई सेवा करने वाला नहीं है तो सोचेगा भाई मांस खमन करूं, पालना करूंगा, मैं गोचरी मान लो जा नहीं पाऊंगा तो मुझे आहार कौन लाकर देगा, यह सेवा करने वाले कोई है नहीं, तो फिर तपस्या भी वो कैसे करेगा। इसलिए परस्परो पग्रहो जीवानाम, प्राणियों में एक दूसरे का सहयोग का क्रम बताया गया है कि यह धर्मास्तिकाय है, यह जीवों पुद्गलों को चलने में सहयोग देती है। अधर्मास्तिकाय जीवों और पुद्गलों को स्थिर रहने में सहयोग देती है। आकाश है वो रहने के लिए स्थान देता है, काल बीतता है, पुद्गल है वो आदमी के जीवों के खाने पीने आदि में काम आते हैं, रहने में काम आते हैं। तो प्रश्न हुआ धर्मास्तिकाय सहयोग देती है, अधर्मास्तिकाय सहयोग दूसरों को देती है, आकाशास्तिकाय दूसरों को स्थान देता है, पुद्गल दूसरों के खाने पीने में काम आते हैं, तो जीवास्तिकाय जीव क्या सहयोग देता है, वो सहयोग लेता ही है कुछ देता भी है। तो कहा जीव भी सहयोग देते हैं, जीव धर्मास्तिकाय को सहयोग नहीं देते, अधर्मास्तिकाय को नहीं देते, परंतु परस्परो पग्रहो जीवानाम, जीव परस्पर एक दूसरे को आलंबन देते हैं, सहयोग देते हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट सहयोग देते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी का सहयोग करता है। जैसे हम साधु संस्था में देख लें कि कोई साधु गोचरी लेकर आता है तो पांच सात संतों को खाने को आहार मिल गया, कोई साधु पानी लेकर आ गया तो कितनों को पानी मिल गया, कोई साधु और कोई वृद्ध है उसकी सेवा परिचर्या दवाई लाना देना वो काम करता है तो बीमार को वृद्ध को वो सहयोग मिल गया। तो यो सहयोग एक वृद्ध है वो सोचता है मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर सकता, बाहर तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, पर ठिकाने में जो काम है वो तो मैं कर सकता हूँ। तो वो कहता भी आप तुम लोग छोटे हो, तुम तो बाहर जाके गोचरी करना, पानी लाना, दवाई वो काम तुम कर दो, ठिकाने में आने के बाद तुम्हारा जो भी काम हो, पात्रियाँ साफ करना और करना, कोई तुम्हारा प्लेवना का काम वो हम कर देते हैं। यह परस्पर एक दूसरे का सहयोग हो गया। तो जीवों में एक दूसरे का सहयोग का क्रम है। अब वो सहयोग नहीं करे कोई तो फिर कमी की बात हो सकती है, प्रत्यनिकता की बात हो सकती है। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि अनुकंपा की अपेक्षा तीन प्रत्यनिक हैं, तपस्वी प्रत्यनिक, ग्लान प्रत्यनिक और सैक्ष प्रत्यनिक। छोटा साधु है, नया नया साधु बना, छोटा भी है तब उसको तो संभालना होता है, उसको तो सिखाना भी कैसे चलना कैसे बैठना, वो तो रात को सर्दी में सोए तो कपड़े भी उगड़ जाए, पछेवड़ी अलवान उगड़ गया उसको रात में भी संभालना, कपड़े उड़ा देना और उसके खाने पीने आदि का ध्यान देना। तो छोटा साधु है उसकी सेवा करना भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो छोटे फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर वो सेवा देने वाले अच्छे बन सकते हैं। तो सैक्ष है, जैसे मुनि मेघ कुमार था, मुनि मेघ कुमार भगवान महावीर के पास दीक्षित हुआ, पहली रात साधु जीवन की मानो पहली रात, परंतु आसाधना तो न हो, समय समय की व्यवस्था होगी, एक रात में ऐसा उसके साथ हुआ वो तो घर जाने को तैयार हो गया। छोटा नया साधु था, रात को आसाधना न हो, कोई संभाल व्यवस्था कोई अच्छी नहीं मिली, क्या हुआ साधु लोग जाते आते पैरों से उसके लग जाती, कोई रास्ते में जगह मिली होगी सोने की, बार बार संतों के पैरों से मानो चिंतिस्ता गया होगा, लगती रही होगी, तो सोचा रे मैं कहाँ आ गया, ऐसे नींद नहीं ले पाता मैं, या तो मैं तो घर में ही ठीक था, यहाँ कहाँ आ गया मैं, सुबह जाऊँगा भगवान महावीर को ये धर्मोपकरण जो भी
सोम सुपा के अपना मेल घर जाना है, नहीं रहना मुझे यहाँ। रात को नींद भी आराम से नहीं ले सकता आदमी, यहाँ क्या रहना है? मन में आ गया अब चलना वापिस गृहवास में जाना है। भगवान महावीर के पास आ भी गया तो भगवान तो भगवान थे, कारे मेघ इतना कमजोर हो गया है, एक रात की तकलीफ से कमजोर हो गया। याद करो अपने पिछले हाथी के जन्म को, तुमने कितना सहन किया था, एक खरगोश की दया रखने के लिए खुद ने कितनी तकलीफ भोग ली थी, पैर को तुमने ऊंचा रखा था, कितनी देर ऊंचा रखा, बाद में जब खरगोश वहां से चला गया तब पैर नीचे रखने का प्रयास करना चाहा, ऐसे धमाक से गिरा, फिर बाद में प्राणांत भी हो गया। तुमने एक खरगोश की दया के लिए अपनी आत्मा को मानो पाप से बचाने जो भी के लिए कितना सहन किया, अब तब तो तुम पशु थे, अब तो इंसान हो, उसमें भी साधु हो, इतने एक रात की थोड़ी तकलीफ हुई तुम घर जाने का मन बनाने वाले बन गए। अब पिछला जन्म याद आया, अरे मैं कितना सहन करने वाला था, बोला भगवान अब कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, मेरा शरीर दो आंखों को छोड़ के साधुओं के लिए समर्पित है, यानी सेवा के लिए समर्पित है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो यों नया साधु हो उसको भी उचित संभाल मिलने चाहिए, तब तो भगवान महावीर थे मान ले संभाल लिया, सदा तो भगवान महावीर जैसे नए भी मिले तो नए साधु को तरीके से संभालना चाहिए, ताकि उसके मन में कहीं विचलन संभाल के अभाव में न आ जाए। तो भगवती सूत्र में कहा गया सैक्ष प्रत्यनीक, कि नया सैक्ष साधु हो उसकी संभाल न की जाए, उसकी सेवा न की जाए, सेवा न कराई जाए, न की जाए, उपेक्षा हो, प्रमाद हो, तो वह सैक्ष प्रत्यनीकता हो जाती है, वह भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भगवती सूत्र से, इन प्रकरणों से हमें दो प्रेरणाएं मिल सकती है। पहली प्रेरणा, हम संग के कभी दुर्नीति से विघटन करने वाले न बने, संग में भेद डालने का प्रयास कभी न करें, और संग में अच्छे ढंग से रहें, जितना बन पड़े संग की सेवा करने का प्रयास करें, न कि कोई संघ में दरार डालने का प्रयास करें। एक तो संगठन की दृष्टि से हमें सावधान रहने की, ठीक रहने की प्रेरणा इस सूत्र से, भगवती के एक सूत्र से मिल सकती है, और दूसरे सूत्र से हमें सेवा की प्रेरणा मिल सकती है। हम सेवा करने में प्रमाद न करें, कोताही न बरतें, जो कर सकते हैं और करना उचित है उसको करने से कतराएं नहीं, जी न चुराएं, भी शरीर हमारा सक्षम है इसका उपयोग करें। सेवा हमारी ड्यूटी भी है, हमारे लिए उचित भी है। तो तपस्वी साधु है, कोई बीमार है, कोई नया साधु है, उसकी हम सेवा करें, जो जिम्मा हमको मिले उसको बखूबी निभाने का, निर्वोड करने का हम प्रयास करें। तो यह सेवा की प्रेरणा भी हम भगवती के इस सूत्र से ले सकते हैं कि हम सेवा के प्रति जागरूक रहें। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, ये दोनों बालावस्था में ही दीक्षित हुए थे, दोनों ही बहुत छोटे थे। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तो 11वें वर्ष में थे तभी संत बन गए, और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी 12वें वर्ष में थे तभी परम पूज्य कालूगणी के पास साधु बन गए। दोनों ही हमारे गुरुदेव कालूगणी के पास दीक्षित होने वाले थे। तो हमारे दोनों गुरुदेव आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेवों के गुरुदेव थे कालूगणी, हमारे गुरुदेवों के गुरुदेव थे कालूगणी। तो हम कालूगणी और हमारे भिक्षु स्वामी आदि आचार्य श्री हुए हैं, कितने कितने तो छोटी उम्र में ही साधु बन गए थे, फिर कितनी उन्होंने अपने अपने ढंग से सेवा की है, तो हमारे में भी सेवा की भावना रहे, यह काम्य है।